नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के। एक छोटी सी प्रॉब्लम मेरे सामने में आ गई है। मेरे सामने में यहाँ पे कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, रिसाइकल बिन नहीं दिख रहा है, और मेरा जो यूजर नेम है वो नहीं दिख रहा है। तो मैं उसे लाऊंगा कैसे? एक सरल तरीका है, कहाँ से हम ला सकते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम जब ऑन होता है, शुरुआत में जब फॉर्मेट होकर के नया बन के आता है, तब ये सामने में नहीं दिखता है, तो हाँ वहीं पे बस दिखाना रहता है। यदि नहीं हो पाता है, कहीं से गलती से मेरा डिलीट हो गया है, वो सब चीज़ें बच्चे लोग खेलते खेलते डिलीट कर दिए हैं, तो मैं कहाँ से ला सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको रिफ्रेश करते हैं, उसी में जा करके ये पर्सनलाइज लिखा हुआ है, इस पर्सनलाइज को ओपन करेंगे। इस पर्सनलाइज में जैसे आप वॉलपेपर चेंज करते हैं, है ना, डेस्कटॉप बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इसी में विंडो कलर चेंज करते हैं, साउंड आता है, स्क्रीन शेवर हो गया, ये सब चीज़ें चेंज करते हैं। इसी में आपका यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स, तो इसी डेस्कटॉप आइकन्स को चेंज करने वाले को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन्स में से आ गया है यहाँ पे कंप्यूटर, उसको चेक कर देंगे, क्लिक करेंगे, रिसाइकल बिन क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यूजर्स फाइल ये क्लिक करेंगे। ये बेसिक चारों चीज़ें हमारे सामने में रहनी चाहिए। इसको करने के बाद आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद ओके कर देंगे। आप इसके बाद बाहर में जा करके देख सकते हैं, अब मेरे सामने में मेरे हेड ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन में है उसमें आ गया मेरा कंप्यूटर, मेरा यूज़र और मेरा रिसाइकल बिन। इस प्रकार से ये छोटी सी जानकारी है दोस्तों, जो हमें कई बार पता नहीं रहती है। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताएं, और कोई और डाउट हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।